Hello guys, welcome to my channel to polish your CSE concepts with me. So let's get started. As you all know, nowadays we are discussing a series of AI MCQ questions. So अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड MCQ आने वाले हैं, तो ये जो वीडियोज़ मैं आजकल बना रही हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, राइट? और जैसे आपको पता है, बेसिकली अभी GTU की एग्ज़ाम्स आने वाली है और उसके रिलेटेड उसके सिलेबस कवर करके हम मेनली AI के वो जो टॉपिक्स है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है? तो इसके अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो इस सीरीज़ का, तो इसके पहले ऑलरेडी 2 वीडियोस मैं पोस्ट कर चुकी हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा या फिर मैं आई बटन में भी आपको लिंक दे दूँगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 2 प्लेलिस्ट ऑलरेडी मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा, एक जिसमें मैंने हिंदी में सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हैं और एक जिसमें हिंदी में मैंने टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हैं, राइट? तो दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, यू कैन गो एंड विजिट दोज प्लेलिस्ट, ताकि AI रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो कॉन्सेप्ट्स आप वहाँ पे जाके उन वीडियो से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट टुडेज AI MCQ क्वेश्चन, जिसमें हम अगेन 10 इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Now the very first question that we are having is, which value is assigned to alpha and beta in alpha beta pruning? अब सबसे पहले alpha beta pruning क्या है आपको पता होगा, minimax search है। minimax हमने मेरे जो AI के वीडियोस है उसमें जाके आप देख सकते हो, उसमें मैंने minimax पूरा डिटेल में समझाया था। तो minimax का ही अपडेटेड वर्जन क्या है, अल्फा बीटा प्रूनिंग, राइट? मिनिमैक्स में हम क्या करते हैं, वाइल सॉल्विंग एनी एग्जांपल हमारे पास जितने स्टेट्स आते हैं वो सारे स्टेट्स को हम वन बाय वन सॉल्व करते हैं सारे स्टेट्स को, राइट? तो उसमें क्या होता है, उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। बट अगर हमें उसका वो और ऑप्टिमम वे से सॉल्व करना है, अगर हमें उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, अल्फा बीटा प्रूनिंग। अल्फा बीटा प्रूनिंग और मिनिमैक्स में क्या फ़र्क है कि मिनिमैक्स में हम ईच एंड एवरी स्टेज को डिस्कवर करते हैं, एक्सपांड करते हैं, फाइन। बट हम अगर अल्फा बीटा प्रूनिंग की बात करें, उसमें हम क्या करते हैं, हम वन बाय वन स्टेप सॉल्व करते हैं, और जब भी हमें ऐसा लगे कि ये जो ब्रांच है या ये जो स्टेप है उसको आगे एक्सपांड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम उसको एक्सपांड नहीं करते, हम उस ब्रांच को वहीं पे प्रून कर देते हैं। प्रून करने का मतलब है कट कर देना, उसके आगे हम बढ़ते ही नहीं है, राइट? तो उस तरह से क्या होता है, अल्फा बीटा प्रूनिंग में हम हर एक ब्रांच को डिस्कवर नहीं करते, हम सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट ब्रांच है उन्हीं को डिस्कवर करते हैं, राइट? तो उस तरह से अल्फा बीटा प्रूनिंग जो है वो हमें बहुत ऑप्टिमम और बहुत क्विकली रिजल्ट देता है। तो अभी ये क्वेश्चन क्या पूछा है, आई होप आपको मिनिमैक्स और अल्फा बीटा प्रूनिंग का एग्जांपल अगर पता होगा तो आपको पूरा आइडिया होगा ही, अगर नहीं होगा तो आप मेरे जो अवेलेबल वीडियोस है उसमें जाके देख सकते हो, उसमें मैंने एग्जांपल के थ्रू बहुत ही अच्छे से और क्लियरली समझाया हुआ है मिनिमैक्स का एग्जांपल कैसे सॉल्व करते हैं और अल्फा बीटा प्रूनिंग का एग्जांपल कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, दैट विच वैल्यू इज असाइन टू अल्फा एंड बीटा इन अल्फा बीटा प्रूनिंग। तो अगर अल्फा बीटा प्रूनिंग की हम बात करें, तो अल्फा बीटा प्रूनिंग का जो पूरा एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं उसमें अल्फा और बीटा की कौन सी वैल्यूज हम असाइन करते हैं। तो ऑप्शन है अल्फा इक्वल टू मैक्स, बीटा इक्वल टू मिन, बीटा इक्वल टू मैक्स, या फिर बोथ अल्फा इक्वल टू मैक्स एंड बीटा इक्वल टू मिन। तो इसमें ऑप्शन डी जो है दैट इज़ अवर करेक्ट आंसर, बिकॉज अल्फा बीटा प्रूनिंग हम जब भी करते हैं आपको पता होगा डिफॉल्ट वैल्यू अल्फा की हमेशा हम मैक्स लेके चलते हैं और बीटा की डिफॉल्ट वैल्यू हम मिन लेके चलते हैं, ठीक है? तो ये दोनों ट्रू है, दैट बाई डिफॉल्ट अल्फाज वैल्यू इज इक्वल टू मैक्स एंड बीटाज वैल्यू इज इक्वल टू मिन। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, where does the values of alpha beta search get updated? So the first option is along the path of the search, second is initial state itself, C is at the end and D is none. तो देखिए अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग के एग्जाम्पल में बहुत स्टूडेंट्स को ये गलत फहमी होती है कि स्टार्टिंग में हम अल्फ़ा की अल्फ़ा जैसे इसमें हमने देखा कि अल्फ़ा का वैल्यू हम मैक्स डालेंगे और बीटा का वैल्यू मिन डालेंगे, तो बहुत लोगों को लगता है कि बस हमने ये डाल दिया और यही वैल्यू कॉन्स्टेंट रहती है। बट ऐसा नहीं है, अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग का प्रोसेस ही यही है कि हर एक स्टेप के बाद हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू
अपडेट करते जाते हैं। तो इधर क्वेश्चन में वही पूछा है कि अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज है वो हम कब अपडेट करते हैं, तो इसका आंसर आएगा ए, अलोंग द पाथ ऑफ द सर्च। ठीक है, तो इसका देखिए आपको वो फंडा पता होना चाहिए, बाकी इधर ऑप्शन के जो वर्ड्स है दैट मे चेंज। इधर लिखा है अलोंग द पाथ ऑफ द सर्च, या फिर आपको ऐसा भी दे सकता है कि ऑप्शन ऐसे वाले ऑप्शन भी आ सकता है कि ओनली एट द बिगिनिंग और ओनली एट द एंड और कंटिन्यूअसली। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा, कंटिन्यूअसली। तो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अल्फा बीटा की वैल्यू ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टार्टिंग में चेंज होता है या सिर्फ एंड में चेंज होता है। अल्फा बीटा की वैल्यूज जो है वो पूरे प्रोसेस के दौरान कंटिन्यूअसली अपडेट होता जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा, ए, अलोंग द पाथ ऑफ द सर्च। ठीक है, तो अलोंग द पाथ हम उसकी वैल्यू अपडेट करते रहते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। Now let's see the next question. How the effectiveness of the alpha beta pruning gets increased? तो जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि alpha beta pruning जो है वो ज़्यादा efficient है normal minimax से, तो वो efficient क्यों है? ठीक है, तो वो option, वो question पूछा है। तो किस तरीके से वो उसकी efficiency increase होती है? So the options are depends on the nodes, B depends on the order in which they are executed, C all of the mentioned, D none of the mentioned. तो इसका आंसर क्या आएगा, A depends on the nodes. तो इसका मतलब क्या हुआ, that the effectiveness of the alpha beta pruning gets increased depends on the nodes. क्योंकि देखिए जैसे मैंने बोला आपको मिनीमैक्स में क्या है कि हम हर एक नोड को एक्सप्लोर करते हैं, अब इसीलिए हम बोल सकते हैं कि अल्फा बीटा प्रूनिंग की एफिशिएंसी कितनी बढ़ेगी वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ नोड्स पे। अब फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बहुत बड़ा ट्री है जिसमें 100 नोड्स है। ठीक है, तो अगर 100 नोड्स वाला कोई ट्री है उसको आप अगर मिनीमैक्स से सॉल्व करने जाओगे तो ऑब्वियसली 100 के 100 नोड्स आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। बट वहीं पर अगर मैं अल्फा बीटा प्रूनिंग लगाती हूँ और हमारे थर्ड के हिसाब से अगर फॉर एग्जांपल 40 भी ऐसे नोट्स निकले जो मैं आधे रास्ते में आके या कहीं ना कहीं प्रून कर देती हूँ, तो मुझे सिर्फ बाकी के जो 60 है, ठीक है, 100 में से अगर 40 को हम प्रून कर देते हैं तो बाकी जो 60 है उन्हीं को हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा, राइट। तो उस हिसाब से, इस हिसाब अगर ये वाला एग्जांपल हम ले तो ये वाले एग्जांपल के हिसाब से अल्फा बीटा प्रूनिंग में कितनी हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई, 40% ज़्यादा बढ़ गई, राइट, क्योंकि उसमें हम 100 एक्सप्लोर कर रहे थे, इसमें हम सिर्फ 60 ही एक्सप्लोर करेंगे, 60 नोड्स को ही। तो इस तरह से तो फिर हम बोल सकते हैं कि उसका जो इफेक्टिवनेस है कि कितना उसका इफेक्टिवनेस बढ़ा तो वो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ नोड्स पे। ठीक है, सो द ऑप्शन वुड बी ए, डिपेंड्स ऑन द नोड्स। नेक्स्ट, विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द फिजिबिलिटी ऑफ होल गेम ट्री। तो ये जो गेम ट्रीज हमारे पास होते हैं अलग अलग तरह के, उसकी फिजिबिलिटी हम किसके बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। नाउ द ऑप्शन इज ए, इवोल्यूशन फंक्शन, बी ट्रांसपोजिशन, सी अल्फा बीटा प्रूनिंग एंड डी इज ऑल ऑफ द मेंशनड। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर ए, इवोल्यूशन फंक्शन, बिकॉज ऑलवेज द इवोल्यूशन फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द फिजिबिलिटी ऑफ गेम ट्रीज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अ गेम कैन बी फॉर्मली डिफाइंड एज अ काइंड ऑफ सर्च प्रॉब्लम विद द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। ऑप्शन ए इज इनिशियल स्टेट, ऑप्शन बी इज सक्सेसर फंक्शन, ऑप्शन सी इज टर्मिनल टेस्ट एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द मेंशनड। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, दैट द गेम कैन बी फॉर्मली डिफाइंड एज अ काइंड ऑफ सर्च प्रॉब्लम विद द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो गेम आपको पता होगा ये अल्फा बीटा प्रूनिंग हो गया, मिनीमैक्स हो गया, ये सब एआई के जो अल्गोरिदम्स है, टेक्निक्स है, वो मेनली हम किसके लिए यूज करते हैं, अगर आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखो तो वो बेसिकली हम गेम मेकिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, गेम बनाने के लिए। तो इधर वही पूछा है कि जो गेम है उसको हम जनरली किस तरह का सर्च प्रॉब्लम डिफाइन कर सकते हैं, गेम में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसका आंसर आएगा डी, क्योंकि गेम में इनिशियल स्टेट, टर्मिनल स्टेट और सक्सेसर फंक्शन, ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होता है जब भी हम कोई भी गेम का फंक्शन बनाने जाए। तो इधर एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो कि एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बेसिकली चेस, अगर आपने कभी भी चेस खेला होगा या आप चेस खेलते हैं तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, चेस एक गेम है, राइट। तो अगर आपको चेस जो गेम है वो अगर आपको ऑनलाइन कंप्यूटर के थ्रू या फिर एआई लगा के अगर आपको चेस का गेम बनाना है तो उसमें अगेन उसमें भी इनिशियल स्टेट होगा, टर्मिनल स्टेट होगा और सक्सेसर फंक्शन होगा। तो वो कैसे काम करता है, देखिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे अच्छे से दिया है, दैट द इनिशियल स्टेट इंक्लूड्स द बोर्ड पोजिशन एंड आइडेंटिफाइज द प्लेयर टू मूव। मतलब इनिशियल स्टेट में क्या क्या होगा, इनिशियल स्टेट में पूरा बोर्ड होगा, मतलब बाय डिफॉल्ट बोर्ड क्या, बोर्ड किस तरह से रखा है उसमें आपके पीसेस
किस तरह से रखे हैं, वाइट के पीसेस और ब्लैक के पीसेस, इनिशियल स्टेट में वो सब आ जाएगा। और इनिशियल स्टेट में क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट बोर्ड आपका सजा हुआ है और द फर्स्ट प्लेयर कौन सा है जो अपना पहला मूव लेगा, तो इतनी चीज़ें आपकी आ जाएगी इनिशियल फंक्शन में। फिर आता है सक्सेसर फंक्शन। तो सक्सेसर फंक्शन क्या है, इट रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ मूव स्टेट पेयर्स ईच इंडिकेटिंग अ लीगल मूव एंड द रिटर्निंग स्टेट। तो सक्सेसर फंक्शन मतलब क्या है कि हर एक बार, मतलब जैसा आपको पता होगा, एक बार वाइट जिसका है, एक बार वाइट वाला जो प्लेयर है वो चलता है और एक बार ब्लैक वाला जो प्लेयर है वो चलता है, अल्टरनेटिवली दोनों अपना एक एक मूव लेते हैं। तो सक्सेसर फंक्शन किसको बोलते हैं कि हर एक वो रिकॉर्ड रखेगा मूव और स्टेट, मतलब पहले ये स्टेट है, फिर वाइट ने ये वाला मूव लिया तो अब स्टेट बदल गया, ब्लैक उसके बाद ब्लैक की बारी, ब्लैक ने वापस एक मूव लिया तो स्टेट बदल गया, तो हर तरह का एक एक मूव और वो मूव के हिसाब से स्टेट जिस हिसाब से बदल रहा है वो हर एक स्टेट और मूव को रिकॉर्ड रखेंगे हम लोग, और उस रिकॉर्ड को क्या बोलेंगे, सक्सेसर फंक्शन। मतलब जिस जिस तरह से हमारा गेम आगे बढ़ता जा रहा है वो फंक्शन के हिसाब से हम हमारा स्टेट और मूव की हिस्ट्री मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो उस चीज को बोलते हैं सक्सेसर फंक्शन। और टर्मिनल टेस्ट किसको बोलेंगे, अ टर्मिनल टेस्ट डिटरमाइंस वेदर द गेम इज ओवर और नॉट, स्टेट्स वेयर द गेम हैज एंडेड आर कॉल्ड टर्मिनल स्टेट। टर्मिनल स्टेट मतलब ऐसा स्टेट जहाँ पे या फिर ब्लैक या फिर व्हाइट चेकन मेट हो गया, राइट, मतलब गेम खत्म हो गया, तो उस स्टेट को आप बोल सकते हो टर्मिनल टेस्ट। अगर हम चेस की बात करें तो इन चेस द आउटकम इज अ विन लॉस और ड्रॉ विद द वैल्यू इज प्लस वन माइनस वन और जीरो, ठीक है। तो आइदर कोई जीतेगा, मतलब या फिर ब्लैक जीतेगा या फिर व्हाइट जीतेगा या फिर दोनों का ड्रॉ पोजिशन हो जाएगा, कोई भी नहीं जीतेगा। तो इस तरह से अलग अलग, जैसे ये तो चेस की बात हो गई, ऐसे अलग अलग गेम्स के हिसाब से उसका इनिशियल स्टेट, टर्मिनल स्टेट और सक्सेसर फंक्शन जनरेट होते हैं, ठीक है। एक्चुअली इस एग्जांपल में या फिर इस सिनेरियो में मोस्टली कोई भी आप स्टैंडर्ड बुक्स भी देखो तो चेस का एग्जांपल बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी चेस का फंक्शन ही रखा है, क्योंकि इधर क्वेश्चन जैसा है ऐसा आपको जनरली गेम के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर अगर वो लोग चाहे तो चेस स्पेसिफिक क्वेश्चन बना के भी वो लोग पूछ सकते हैं कि इनिशियल स्टेट इसमें से ऑप्शंस में से इनिशियल स्टेट चूज करो कौन सा होगा, या फिर फाइनल स्टेट किस तरह के स्टेट को हम बोल सकते हैं। ऐसे देखिए, ये जो जैसे ये स्लाइड आपको दिख रही है, तो ये स्लाइड इसलिए मैं थोड़ा टाइम कंज्यूम करके आपको अच्छे से समझा रही हूँ, सो दैट देखिए ये जो एक स्लाइड आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने एक ही क्वेश्चन बताया है, बट मैं आपको एक्सप्लेन इस तरह से कर रही हूँ कि इसके बेसिस पे अगर 3, 4, 5 अलग अलग तरह से MCQs बन सकते हैं, और अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो उनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाए यू विल बी इजिली एबल टू आंसर दैट, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनिशियल स्टेट एंड द लीगल मूव्स फॉर ईच साइड डिफाइन द डैश ऑफ द गेम एंड द ऑप्शंस आर सर्च ट्री, गेम ट्री, स्टेट स्पेस सर्च एंड फॉरेस्ट। सो द आंसर वुड बी गेम ट्री, ठीक है। सो द इनिशियल स्टेट एंड द लीगल मूव्स फॉर ईच साइड डिफाइन द गेम ट्री फॉर द गेम। तो गेम ट्री एक्चुअली क्या है, सो द एग्जाम्पल ऑफ गेम ट्री इज द ट्री वी ड्रॉ फॉर टिक टैक टो गेम। अब टिक टैक टो गेम क्या है, आई होप आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो इसके बारे में भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करके कि टिक टैक टो गेम एक्चुअली AI के रिलेटिव आप कैसे समझ सकते हो, वो कैसे होता है, हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उसमें भी अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा, उसमें भी हम स्टेप बाई स्टेप एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और काइंड ऑफ एक पूरा ट्री बनाते हैं, गेम ट्री बनाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से उसको गेम ट्री बोलते हैं। सो द इनिशियल स्टेट एंड द लीगल मूव्स फॉर ईच साइड डिफाइन द गेम ट्री फॉर द गेम। ये अगर टिक टैक टो आपको पता होगा, टिक टैक टो का एग्जाम्पल, तो बहुत अच्छे से आप उसको रिलेट कर पाओगे। नेक्स्ट इज ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन टू FOL। वट इज FOL? फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। अगेन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के ऊपर भी बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है मैंने मल्टीपल एग्जांपल्स लेके। अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है FOL क्या है और ये जो एग्जांपल है ये कन्वर्ट करने के लिए बोला है, इस तरह से कन्वर्ट करने का मैंने डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स वहाँ पे समझाया है, आप डिटेल में समझ सकते हो। तो इधर ही एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन टू FOL, और स्टेटमेंट क्या दिया है आपको, फॉर एवरी ए इफ ए इज फिलोसोफर देन ए इज स्कॉलर। मतलब कि कोई भी ए है, हर एक ए के लिए, फॉर एवरी ए, ठीक है, तो हर एक ए के लिए ट्रू है, कोई भी ए है अगर वो फिलोसोफर होगा तो वो स्कॉलर भी होगा, ठीक है। तो उसको हम FOL या फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में कैसे लिख सकते हैं, सो ये ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। फॉर एवरी, देखिए ये तो क्या है, वर्ड से, अगर आपको सिंबल्स पता होगा तो वर्ड से ही आप लिख सकते हो, तो इधर वर्ड्स में क्या लिखा है, फॉर एवरी ए। अब फॉर एवरी का सिंबल क्या है, जैसे यहाँ पे ए फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिख रहा है वो, तो फॉर एवरी ए फिलोसोफर ए
और स्कॉलर है, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, ए ऑप्शन होगा। अगर आपको डिटेल में समझना है, ज़्यादा एग्जांपल्स प्रैक्टिस करना है, तो यू कैन विजिट दैट वीडियो। अ कॉमन कन्वेंशन इज इवेल्युएटेड फर्स्ट एंड आर इवेल्युएटेड फर्स्ट, क्वांटिफायर्स आर इवेल्युएटेड नेक्स्ट, सॉरी, अ कॉमन कन्वेंशन इज इवेल्युएटेड फर्स्ट एंड आर इवेल्युएटेड नेक्स्ट, क्वांटिफायर्स आर इवेल्युएटेड नेक्स्ट, इज इवेल्युएटेड लास्ट, ठीक है। तो ये ऑप्शन है ट्रू या फॉल्स। सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, अ कॉमन कन्वेंशन इज दिस। सो इसमें आंसर क्या आएगा? ट्रू। नेक्स्ट इज फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इज ऑल्सो नोन एज डैश। सो द ऑप्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट कैलकुलस, क्वांटिफिकेशन थियरी, लोअर ऑर्डर कैलकुलस एंड डी इज ऑल ऑफ द मेंशन्ड। सो द आंसर वुड बी डी, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं पता, तो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को ये तीनों नाम से भी जाना जाता है। तो कोई एग्जांपल, जैसे हमने अभी इसके एक पहले वाला जो एग्जांपल देखा, उसमें स्टेटमेंट दिया था और लिखा था कि उसको FOL में कन्वर्ट करो। FOL का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो फॉर एग्जांपल वो क्वेश्चन में डायरेक्टली भी वो लोग बोल सकते हैं स्टेटमेंट देके कि इसको लोअर ऑर्डर कैलकुलस में कन्वर्ट करो। अगर आपको पता ही नहीं होगा लोअर ऑर्डर कैलकुलस किसको बोलते हैं, तो आपको भले उसका आंसर आता होगा तो भी आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, राइट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो, आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को और क्या क्या बोलते हैं। सो फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट कैलकुलस, क्वांटिफिकेशन थियरी एंड लोअर ऑर्डर कैलकुलस, ये सब FOL के ही दूसरे नाम से, ठीक है। सो द आंसर वुड बी ऑल ऑफ द मेंशनड। देन द स्टेटमेंट कंप्राइजिंग द लिमिटेशंस ऑफ FOL इज आर डैश। द स्टेटमेंट कंप्राइजिंग द लिमिटेशंस, मतलब FOL जो है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, उसके लिमिटेशंस या फिर डिसएडवांटेजेस कौन से हैं? तो पहला है एक्सप्रेसिवनेस, बी इज फॉर्मलाइजिंग नेचुरल लैंग्वेजेस, सी इज मैनी सॉर्टेड लॉजिक एंड डी इज ऑल ऑफ द मेंशनड। तो इसका ऑप्शन आएगा डी, ऑल ऑफ द मेंशनड। तो ऊपर के जो ए बी और सी तीनों ऑप्शंस है, ये तीनों क्या है? FOL के लिमिटेशंस या फिर डिसएडवांटेजेस है। फाइन, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। 10 इंपॉर्टेंट वीडियोज, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, MCQs हमने देखे यहाँ पे, एंड मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया कि आपको पूरा एक्सप्लेन करूँ। आई होप आपको कंसेप्ट कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा, आपको आपके दिमाग में क्लियरली चीज़ें बैठी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू फाउंड इट हेल्पफुल, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ एज मैनी एज स्टूडेंट्स एज पॉसिबल। आपके जो दूसरे बैचमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके साथ एग्जाम में अपियर होने वाले हैं, वो सबके साथ शेयर कीजिए ताकि सबको ये चीज़ हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच।